वसीम रुसैला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी 8 महीने हो गए, काम चालू हो के 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट्स है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। शादी की बारात में शराब पीकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने किया शादी से इनकार, दूल्हा और उसके पिता को बंधक बनाकर वसूला गया खर्च। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। घटना ही वैसी घटी है, यहाँ पर एक शादी तय थी तो दूल्हा जो है बारात लेकर पहुंचा, लेकिन जब दूल्हा बारात के साथ वहां पहुंचा और चल रहा था तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पता चल गया कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। ये बात पता चलते ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता ने भी उसके फैसले का समर्थन किया। बाराती मायूस हो गए, काफी फिर इस बात को लेकर विवाद हुआ, मगर दुल्हन पक्ष ने सभी बारातियों को वापस लौटा दिया और दूल्हा पक्ष को जो है उसमें से दूल्हा और उसके पिता दोनों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद सुबह तक ये मामला चला, पंचायत बैठी, पुलिस भी आई, पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया। फिर इसके बाद दूल्हे और उसके पिता से बारातियों को खिलाने पिलाने और शादी में जो भी उस दिन खर्च हुआ था वो कुल 95,000 रुपए इनको अदा करने पड़े और उसके बाद दूल्हा और उसके पिता की यहां से रिहाई हो पाई। दूल्हे का नाम अनीस उर्फ तोताराम बताया जा रहा है और उसने मीडिया से बात भी की है कि क्या पूरा मामला हुआ था, इससे जुड़े अन्य भी वीडियोज है। देखिए प्रतापगढ़ की ये हैरत अंगेज घटना। दारू पी गया था, सामने ने लड़की ने ना बोला है, तो दारू पी के हंगामा गाली गलूच कर रहा था गाइस। इसके चक्कर में 2,80,000 कुछ रुपया जुर्माना है इसके ऊपर जो खर्चे गए हैं, ये सब दहेज का ये सब वगैरह वगैरह का सब जो हुआ है, बेबी का खाने का वगैरह, तो पैसा भर दे फिर जा सकता है। और यहाँ समझा रहे हैं बड़े बड़े तो गाली गलूच कर रहे हैं। रात भर इंतजार कर कोई इंतजार करिए भाई ने आओ बेटा एक आदमी आओ इधर अपना कल दिनांक 11 नवंबर 2024 को ग्राम बक्सीडी थाना चंदे निवासी संजय कुमार की पुत्री का विवाह अनीस कुमार सनौफ शिव कुमार निवासी करणपुर खुजी थाना दिलीपुर से होना सुनिश्चित था। बारात जब संजय कुमार के दरवाजे थाना चंदई पर पहुंची तो जानकारी के अनुसार दूल्हे द्वारा शराब का अधिक सेवन करने व उस दौरान भी नशे की हालत में होने पर दुल्हन द्वारा कड़ी आपत्ति जताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में आपस में विवाह न करने की सहमति जताई गई तथा दोनों पक्षों द्वारा विवाह में खर्च धनराशि व उपहार ले देकर विवाह न करने का सुलह समझौता कर लिया गया है। इस संबंध में थाना स्थानीय कंधई पर उनके द्वारा लिखित सुलह समझौता भी लिया गया। We'll be right back.